वहीं यूपी में आगामी चुनावों के तहत बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा से लेकर अन्य पदाधिकारी भी जुड़ गए हैं। बीजेपी ने इस बार अल्पसंख्यक के साथ समाज के कमजोर तबके में अपनी पैठ बनानी शुरू की है और आज वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ई रिक्शा चलाने वालों को बीजेपी का सदस्य बनाएंगे। पूरे देश में बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत संगठन को मजबूती देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसी के तहत आज सीएम योगी वाराणसी पहुंचेंगे और लोगों को बीजेपी के सदस्य बनाएंगे। तो बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ दिलाएंगे, सदस्यता अभियान चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में जोड़े जा रहे हैं। बीजेपी की पार्टी के लिए आपको बता दें कि ई रिक्शा चलाने वालों को आप पार्टी से जोड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सदस्यता अभियान के तहत यह कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी को लगातार मजबूत करने की कवायद चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें सदस्यता अभियान के तहत यह कार्यक्रम रखा गया है। ई रिक्शा चलाने वालों को पार्टी से जोड़ेंगे, बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी। अपने आप में ही अलग है क्योंकि ई रिक्शा चलाने वालों को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। तो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है सरकार। अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, लगातार बीजेपी जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सदस्यता अभियान के तहत ई रिक्शा वालों को चलाने वालों को पार्टी से जोड़ेंगे, ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है। लेकिन निश्चित रूप से दुनिया की सबसे ज्यादा जनाधार वाली पार्टी है बीजेपी, ये उनका दावा है। 11 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं बीजेपी के और लगातार पूरे प्रदेश में पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो या फिर बनारस, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बनारस में एक दिन पहले ही जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, उन्होंने मल्लाहों को नाविकों को पार्टी से जोड़ा और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ई रिक्शा चालकों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। मैसेज साफ है कि रिक्शा चलाने वाले से लेकर मर्सिडीज चलाने वाला तक हर कोई बीजेपी की विचारधारा से सहमत है, पार्टी के साथ है। लिहाजा इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ई रिक्शा चालकों को पार्टी से जोड़ेंगे। उनके साथ उनका एक छोटा सा संवाद भी रखा गया है। वो ये बताएंगे कि सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है और सरकार कैसे आम लोगों के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित है, लगातार काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ई रिक्शा चालकों को पार्टी से जोड़ेंगे। जी बिल्कुल अमित, ठीक है, जोड़ेंगे पार्टी से ई रिक्शा चालकों को, लेकिन इसके लिए क्या कोई फॉर्मेलिटीज भी है जो उनको करनी पड़ेगी? जी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बीजेपी का यही कहना है कि कोई बाधा नहीं है। आप सीधे अगर पार्टी की विचारधारा से सहमत है तो आप आइए, आपको एक सदस्यता अभियान के तहत एक फॉर्म फिलअप करना होगा और आपको ये बताना होगा कि आप देश के साथ हैं, देश की तरक्की के साथ हैं। और उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको समझाने के क्रम में भी छोटा सा संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। एक फॉर्म फुलफिल करना पड़ता है और उसके बाद फिर वो पार्टी का सदस्य हो जाता है। वैसे तो मिस कॉल के जरिए भी आप पार्टी के सदस्य बन सकते हैं, उसके लिए भी पार्टी अलग अलग नंबर हमेशा डिस्प्ले करते रहती है। तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या कोई संगठन मंत्री या बड़ा नेता सदस्यता अभियान चलाता है तो छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है, नहीं तो आप मिस कॉल के जरिए भी पार्टी से जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया है जिसमें आज ई रिक्शा चलाने वालों को पार्टी से जोड़ा जाएगा।